अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। नए दिन की नई शुरुआत उदय बलोच ब्लॉग के साथ में सैरी टाइम। चलो बनाते हैं सैरी, बच्चों को रोज़ा रखने उठाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ के फिर से थोड़ा सोएंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे। एग्ज़ाम चालू है बाबा, मुंबई में तो एग्ज़ाम चालू है, बॉम्बे में आप लोगों के इधर है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो सब जगह छुट्टियां भी हो चुकी है, और आधे से ज़्यादा तो मिनिमम कितना बड़े रोज़े तक तो सबके एग्ज़ाम यहाँ शुरू हुए हैं बॉम्बे में, तो आप बता सकते हैं मुझे मैसेज करके। और हाँ, मैं ब्लॉग बंद करना भूल जा रही हूँ, क्योंकि इतनी थकी हुई रहती ना, पानी जो भरी हुई ना उस दिन, उससे अभी तक मेरी थकान नहीं गई है। इतनी थकी हुई रहती हूँ ना कि ब्लॉग बंद करना ही भूल जाती हूँ। तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब, नए हो तो जिन्होंने मुझे अभी अभी सब्सक्राइब किया है, मेरे साथ ज्वाइंट हुए, वो बेल आइकन ज़रूर दबाना कि आपको मेरे नए नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलो इस रमज़ान के मुबारक महीने के साथ शुरू करते हैं अपना। तो गाइस, मिल रही हूँ आपको फिर से, क्योंकि सिद्धांत को स्कूल भेज के ना फिर मैंने एक घंटे की नींद ले ली, और पानी अभी जल्दी आ रहा है तो पानी भर के अपने कपड़े बर्तन के काम में लग गई हूँ। हाउस वाइफ होगा तो यही काम है, आपको पता है, अपने इधर नौकरानी नहीं है भाई कि आके वो काम करेगी और हम आराम करेंगे, हमें ये सब करना है। तो वो काम हो चुका है, नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और चढ़ा दी हूँ मैंने यहाँ पे रगड़ा, फिर पकाना है जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे अभी जाना है मार्केट। घर में अभी कुछ नहीं बचा, जितना स्टोर था सब खत्म, टाटा बाय बाय। तो अभी सब परचेस करना है, आपको मार्केट टाइम मार्केट में बताऊँगी। और अब मैं बताती कि ये अभी तक घरे घोड़े बेच के सब बच्चे किस तरह सोए हैं। देखो जिदान स्कूल से आके एग्ज़ाम देके एकदम गहरी नींद में, ब्लॉगर भैया भी, अरे भाई सबको बुखार चढ़ा, ये तो ऑफिस जा ही नहीं रहा है। जल्दी जल्दी थोड़ी कुछ तैयारी करके आपसे मिलती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, वहाँ से आते आते लेट हो जाएगा तो मैं पका नहीं पाऊँगी ज़्यादा, तो सब तैयारी करके ही निकलती हूँ कि कितना टाइम हो जाए वहाँ पर, फिर आपको मिलती हूँ अपने काम के साथ में और अपने मार्केट के परचेसिंग के साथ में। यहाँ पे मैंने चावल बघार के चढ़ा चुकी हूँ, और यहाँ पे मेरा चिकन का मसाला भून रही हूँ, क्योंकि ये आलू ना गल नहीं रहे हैं आजकल के नए आलू, तो इसे मसाला भून के जरा नए स्टाइल में पकाने की कोशिश कर रही हूँ मैं चिकन। चलो आपसे आगे कंटिन्यू मिलती हूँ। देख सकते हैं मैंने चिकन डाल चुकी हूँ, अब ये चिकन का पानी छूटेगा, इसमें ही आलू गल जाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइस, यहाँ पे अपने समोसे का बैटर तैयार है, अब इसमें मेयोनीज़ और शेजवान चटनी जाएगी, ये सिंपल सादे वाला ही बना रही हूँ इस बार, पूरी तैयारी करके निकलना है मार्केट के लिए, इसलिए झटपट झटपट सब चीज़ कर रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पे बैटर पीसे जा रहा है, और वहाँ पे मैंने कांदे के भजी मिला के रख दी, अभी जाना है मुझे मार्केट। तो गाइस, निकल रही हूँ मार्केट, टाइम 4:30 बज चुके हैं, चलो निकलूँ, ये पकाना ही बाकी है, आधे थोड़ी तैयारी करके निकल रही हूँ। चलो मिलते हैं मार्केट में, शॉपिंग करेंगे सब्जी चिकन मटन की। तो गाइस, मैं थक गया, रिक्शे में बैठ चुकी हूँ, क्योंकि इसकी अब्बू तो चाबी लाए नहीं, चाबी घर पे भूल गया, मैं भी लाना भूल गई, और आप देख सकते हैं इतनी ट्रैफिक है ना यहाँ पे, अरे यहाँ से इतनी ट्रैफिक है तो वहाँ जाए तक तो और कितनी होगी, आप देख सकते हो गाड़ी तो हिल ही नहीं रही है कब से मैं बैठी हूँ यहाँ पे। एक्सीडेंट होने के बाद जाके यहाँ पे जाली मारी गई है, ऊपर से लोखंड गिर जाता है एक रिक्शे पे, हम लोग जा रहे हैं मार्केट। आ गए अपने मार्केट, कुछ सामान लेना था, देख सकते हो, और यहाँ पे देखो बोर्ड लगा है, ये बोर्ड लगा हुआ है वड़ा पाव ये सब का, एकदम आग के सामने, मैं बाइक पे बैठी हुई हूँ सामने ये सब है। अरे अपने भाईजान, बोलते मलिका आम है यार,
पिछले साल से आई मार्केट में। अच्छा 120 अच्छा उसका टेस्ट कैसा पकड़ेंगे, क्या बनाना पड़ेगा? दशहरी का टेस्ट है, मलिका बोलते हैं इसको। केरला से आया मतलब होता कोइन, महारानी कोइन, कोइन 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 होती है उर्दू अल्फाज है। अच्छा उर्दू अल्फाज है, ओके सॉरी सॉरी, हम लोग नहीं मालूम था मलिका मतलब कोइन। तो ये कोइन है मतलब, ये अभी आम एक राजा था, अभी आम के अंदर एक रानी आ गई है ना, तो क्या लगाएगा किलो का? अरे दस किलो इतना तोड़ू मैं, एक आम तो बैठेगा साले एक किलो में। आ चुके हैं और पूरी सब्जियां सब ले चुकी हूं मैं, आप देख सकते हैं, और ली हूं मैंने फालूदा। अरे अरे भैया निकलो बाहर, मैंने ना फालूदा भी ली हूं, और ली हूं ये अपना बचपने का रसना रसना, और ये पेप्सी मिली थी पेप्सी ले ली, हर कलर की ली हूं, हर कलर की पेप्सी, और दही ले ली अपने दही बड़े के, और आइसक्रीम ली हूं फालूदे के लिए, क्योंकि ये तो होता है 10 रुपये का, अपन खर्चा ये देता है 300 का, इसको बनते बनते ना ये अमीर बन जाता है एकदम। तो गाइस यहाँ पे मैंने रगड़ा अपना, देखो सारे सूखे मसाले डाल के हिला चुकी हूँ, यहाँ पे सब्ज़ा एक्स्ट्रा भिगा चुकी हूँ, और यहाँ पे दूध अपना उबल रहा है, जो अच्छे से उबल जाए इसका कच्चा स्मेल चले जाए, ये फालूदे में ना दूध का ही मज़ा है। चिकन का सालन बन चुका है, माशाल्लाह ज़रूर बोलूँगा, और ये सब के लिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। ऐसे मैं ना छन्नी में रखे पूरे पानी इसके निकाल देती हूँ, दिख रहा है आपको, पूरा निकाल देती हूँ, पता नहीं किस पानी से कैसा भिगाया हुआ रहता है ना, तो पूरा निकाल देती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को इसमें भिगो के डाल दी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब जाएगा इसमें रू अफ़ज़ा, बिस्मिल्लाह, अब देख सकते हैं किस तरह कलर चेंज हो रहा है। और अब इसमें जाएगा अपना फालूदा, तो छान के ले लेगा, देख सकते हैं, मुझे ना थोड़ा रू अफ़ज़ा कम लग रहा था, देखे माशाल्लाह ज़रूर बोलना। अब इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट जाएंगे और अपना आइसक्रीम जाएगा, एकदम रिच हो जाएगा ये। तो गाइस यहाँ चिकन में मसाला लगा रही हूँ मैं, अंडा है, चिकन फ्राई मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, कॉर्नफ्लावर और मैदा, इसे अच्छे से एक जान करके रख दूँ, फिर बाद में इसे फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ नहीं थे ना मेरे पास, तो मैं लाने गई थी मार्केट। थोड़ा सा कलर भी डाली हूँ, जब कलर आया ना। गाइस आप देख सकते हैं एंड मोमेंट्स में ना ये दो ये निकल गया, तो परेशान हो गई ना मैं, देखो ये तलने को तैयार है, और पर मैंने पहले से जुगाड़ करके रखी थी, मुझे पता था कुछ ना कुछ होने वाला है, ये एक्स्ट्रा चम्मच लेके रखी थी मैंने, बिस्मिल्लाह, ये थोड़ा पुराना हो चुका था ना, इसके लिए रमज़ान की पहली शॉपिंग कर ली थी मैंने, तो कुछ बर्तन वगैरह एक्स्ट्रा जो लगने वाले वो भी ले ली थी। और ये चम्मच ना वो चम्मच से ज़रा हैवी भी है और मज़बूत भी, पूरा हैंडल हो गया, अच्छा खासा है। यहाँ पे दही बड़े का बैटर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आज बच्चे कोई है नहीं, मेरी फातिमा गई है गुजरात, किसी का इंतकाल हुआ था ना, वो लोग सब बाहर गए हैं, ये तो मेरा बच्चा फातिमा, यजदान, उदेव, कोई ना कोई रहता ही है, सब मस्जिद में है बच्चे, और वो तो गुजरात गई है, तो ये ज़रा मैं आज फातिमा को बहुत मिस कर रही हूँ, मेरे काम की वजह से मेरे हाथों हाथ लगने वाला बच्चा बाहर गया है। गाइस फाइनली चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह, तो टाइम बहुत कम बचा है, तो ये सब फ्राई करके आइटम लेके जाना है नीचे,
और समोसे के तो बैटर जो तैयार करती समोसे के लिए वो पूरा उठा के रख दी, क्योंकि मुझे मार्केट में इतना टाइम हो गया, इतनी रश थी कि मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही बना चुकी। और जो आइसक्रीम वगैरह लेना था उसका तो मैं बना ही नहीं पाई, आप देख सकते हो। गाइस अब आई फालूदे की बारी और इसमें अभी मैं आइसक्रीम कट करके डालूंगी। तो गाइस आइसक्रीम कट करके डाल चुकी हूँ मैंने इसमें। अरे कहाँ गुम हो गया भैया? ओ भैया जी अल्लाह मेरा आइसक्रीम आय है, 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 है। तो गाइस माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, यहाँ पे पूरी मेरी तैयारी हो चुकी है। रगड़ा है, फालूदा है, भजिए है और चिकन तली हो दही बड़ा। तो कल मेरे मेहमान आए थे और मैंने बेचारे यही दो चीज़ें बनाई थी। अच्छा है कि ऊपर कैरमल कस्टर्ड बना के रखी थी मैंने, सॉरी आप लोगों को। नेक्स्ट टाइम दावत इंशाल्लाह। कैसा कंट्रोल करता है जिंदा अपने आप को अक्का दी। ए रगड़ा लो है इधर दो प्लेट रगड़ा। गाइस आज हम लोगों ने इतना चीज बनाए और हमारे कल जब मेहमान आए थे ना तो हम लोग दो ही चीज बनाए थे। तो हमारे मेहमान देख रहे होंगे ब्लॉग, तो उनको फिर से दावत है। हाँ आएंगे आएंगे, वो खुद आएंगे इंशाल्लाह। क्या गिराएगा कल? बकरा गिराएगा। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अपना रोजा खोल के हो चुका है और पूरे काम कर चुकी हूँ। ये देखो पूरे काम करके अब भी ऐसा बैठी हूँ तो बोले चलो दादी के पास। तो बर्तन घस के हो चुका है, झाड़ू पोता करके अब भी कर रही हूँ, झाड़ू पोता भी अभी कर रही हूँ और थोड़े कपड़े बाकी। वो लपेटने बैठी तो बोले चलो ना थोड़ा नीचे। भाई रोज़ा खोल के अभी तो ऊपर आए हैं, थोड़ा काम तो करने को, किचन वगैरह अब भी धोई है पता है, थकान हो जाता है रोज़ा खोल के ना, पूरा भारी हो जाता है पता है। जो बड़ा पहाड़ तोड़ के आए हम लेडीज, हर किसी के साथ मिलता रहेगा, ये मेरे अकेले के साथ में नहीं है। तो फिर मिलती हूँ थोड़ा आराम करने के बाद, पन्ने कपड़े लपेटने। भाई का खाना चालू है, हाँ जिदान भाई खाना चलता ही रहेगा और सर में बहुत दर्द है तो आज चाय तो बनती है भाई, बहुत थकान लग रही है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का खाना हो चुका है, बिस्तरा भी हो चुका है, पूरा काम हो चुका है, आप देख सकते हो। देखो ब्लॉगर भैया किस तरह छुप रहे हैं मुझसे, देखिए कितना बज रहा है पता, रात के 1 बज रहे, इन लोगों को नींद नहीं है, फिर मुझे उठना है 4 बजे। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल आपको नए ब्लॉग में, नए हो तो देखो मैं भी रोजे रखता हूँ, अल्लाह तो फीक दे, नमाज़े पढ़ने जाता हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल आपको नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।